तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम एक वीडियो लेके आए थे जिसमें 700D के साथ चार लेंस लगा के दिखाए थे आपको। उस वीडियो के बाद हमको बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट करा, खैर इतना नहीं करा, थोड़ा करा कि ये उन्होंने ये बोला कि आप हमको इसी के ऊपर 200D के साथ लगा के लाओ, क्योंकि लोगों को पता है हमारे पास 200D Mark II कैमरा है। इंटर मैं बहुत फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में चाहता हूँ छोटी रखूँ, क्योंकि फालतू बड़ बड़ी नहीं करना चाहता मैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये 700D कैमरा है। इसके सामने चार कैमरे लगाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। 200D कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, 200D से फुल HD 50 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हाथ इतनी तेज हिल रहा है और ये बहुत स्मूथ दिख रहा होगा। अगर मैं इसको 25 FPS पे करूंगा तो वो हल्का सा अटकता हुआ दिखेगा, तो ये FPS का अंतर होता है। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 200D की फुटेज भी दिखेगी जो हम चार कैमरे चार लेंसेज के साथ दिखाएंगे। तो एक होगा लेंस जो कि 18-55 को होगा, अभी ये 1500D के अंदर लगाया पर हम इसको निकाल के उसमें लगा देंगे। और पहला लेंस 18-55 हो गया। इसके बाद हम लाएंगे जूम लेंस, ये रहा, जो कि होता है 55-250 का लेंस। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो कि हर एक कैमरामैन फोटोग्राफर यूट्यूबर हर एक के पास जो लेंस आपको मिलता है वो होता है 50mm प्राइम लेंस। ये योमनु का है, हमने योमनु क्यों लिया वो आपको वीडियो के अंदर आगे पता लगेगा। और सबसे आखिरी में हम आपको दिखाएंगे 35mm लेंस, जो कि ये भी योमनु का है। और मेरी शक्ल पे थोड़ा स्वेट आ रहा होगा क्योंकि हमने फैन ऑफ कर रखा है, क्योंकि फैन की आवाज़ आती है वीडियो के अंदर, इसलिए। तो वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी मॉडल जो है वो वीडियो बना रही है, तो उसको लाते हैं हम कैमरे के आगे और मैं जाता हूँ कैमरे के पीछे। तो गाइस, मैं हूँ इस वीडियो की मॉडल। तो ये हमारी लोकेशन है, तो हम एक एक फोटोज को सारे लेंस के साथ ट्राई करेंगे जितना हमारे से पॉसिबिलिटी होगी। और हम ये करेंगे इसको सेंटर में रख के हर एक लेंस के साथ आपको फोटो खींच के दिखाएंगे। अभी तो हमने ISO बहुत बड़ा रखा है। हाँ। जैसे कि आप घटा के मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी डेप्थ, कितना क्या, किस लेंस से कैसी फोटो चाहिए, वो भी हम आपको ऐसे मतलब मेंशन करके दिखा देंगे। तो हमने इसको बोला है, हमने जो ISO रखा है वो है 800 और जो शटर है वो है 1/500। तो हमने इसको बोला जल्दी से ना अपने बाल ऊपर करके हाथ नीचे कर ले, इसका शॉट लेके दिखाते हैं आपको हम। और ये 18-55 से रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने लेंस स्विच करा है 18-55 से 55-250 के ऊपर। ISO हमने रख रखा है 800 और शटर हमने रखी है 1/500। बाकी सेटिंग्स आपको हर एक फोटो का हम आपको दिखा देंगे। अब हम इससे सेम फोटो लेकर दिखाते हैं आपको जो हमने इससे पहले वाली दिखाई थी। सो गाइस, अभी जो मैंने सेटिंग बताई थी ना आपको वो थी वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग। और जो मैं ये फोटो जिस मैं खींच रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्या एक्सीलेंट वर्क कर रहा है कैमरा, पीछे का बोके आपको दिख रहा होगा कितना अच्छी तरह आ रहा है। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि हमको पीछे का बोके चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बता रहा था कि ये जो सेटिंग थी ये वीडियो की थी, और जो फोटो मैं जिस सेटिंग से ले रहा हूँ वो 200 ISO और 200 शटर, जो कि यूनिवर्सल होता है, जो ज़्यादातर लोग उसी पे यूज़ करते हैं दिन में, मतलब सनलाइट के अंदर। सो अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है 50mm लेंस से, जो कि योंगनू का है, और हम पे 35mm भी योंगनू का ही है। योंगनू की जो शार्पनेस है ना लेंस में वो इतनी हमें कैनन में लगी, मतलब हमें बेटर लगा, और प्राइस में भी चीप है, तो आधे रेट में पड़ जाता है एकदम। हाँ, इसलिए हमने योंगनू परचेज किया। तो चलो अब इससे फोटो खींच के दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑटो फोकस है, फेस और आई डिटेक्टिंग मोड पे हमने इसको लगा रखा है। और ये देखो, चाहे मैंने यहाँ देखा और वहाँ देखा, देखो कितनी एक्सीलेंट वर्क कर रहा है, बिल्कुल फोकस में है, वो फोकस आउट हो ही नहीं रही है। तो अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है हमारे 35mm योंगनू लेंस के अंदर, और ISO हमने बताया दिया था 800 और 500 है। ISO वगैरह हमने सेम ही रखा हुआ है। हाँ, हर एक वीडियो के अंदर हमने सेम रख रखा है, और जल्दी जल्दी ले रहे हैं कि हमको धूप का शेडो ना आए, धूप कम ना होए, मतलब कुछ भी इफेक्ट ना चेंज ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, दूसरे लेंस की सेटिंग्स बदलनी पड़े। तो इसलिए हम जल्दी से फोटो लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस दिए रहे चारों लेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बेल आइकन को ऑल पे लगा देना हमारी सारी वीडियोस के लिए, क्योंकि हम हर दिन बिल्कुल अलग अलग हट हट के वीडियो लेके आते हैं, और हम कोशिश करते हैं वो वीडियो लेके आए जो अदर यूट्यूबर नहीं लेके आ पा रहे हो।
क्योंकि फिर यही तो अंतर होगा हमें और उनमें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो 1500D के ऊपर भी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप किसी और कैमरा से रिलेटेड है, कोई मार्केट है, कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, अगर आप बाहर की टूर मांग रहे हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, हम वहीं पर जाकर आपको वीडियो हम वहीं की वीडियो बना देंगे और चैनल के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो जिस तरह की भी आपको वीडियो चाहिए ना आप हमको भेज सको के बोल सकते हो। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भाई तो बोल दिया मैंने। और अगर बात करी जाए 200D Mark II की, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यार डेफिनेटली लेना चाहिए क्योंकि यूट्यूबर फोटोग्राफर बिगिनर, खैर बिगिनर के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बिगिनर के लिए मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले 1500D ले लो क्योंकि 1500D सेकेंड हैंड सस्ता मिल जाता है 15-20 हज़ार रुपये के अंदर अंदर। और अगर आप चाहते हो कि हमें 200D का हमारा बजट नहीं है तो आप 700D ले सकते हो। 700D आपको मिल जाएगा 25-30 हज़ार रुपये का, अगर आप सेकंड हैंड लेने जाओगे तो और सस्ता ही मिल जाएगा। और अगर बात करी जाए और अगर बजट आपका 35-40 के आसपास है तो आप कैनन 200D Mark II ले सकते हो जो कि सेकंड हैंड आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहां से चाहिए सेकंड हैंड क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 56 अराउंड है। अगर आपको सेकंड हैंड लेना तो कहां से मिलेगा उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो अगर देख सकते हो, उसका वीडियो का भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को हैंग एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।